स्टूडेंट्स, आई एम योर क्लास टीचर. नाउ टेक आउट मैथ्स बुक, इजी मैथ्स, एंड पेज नंबर 5, पार्ट 1, लेसन नंबर 1. तो हियर इज कंपैरिजन. कंपैरिजन करना है आपको बिग और स्मॉल में. तो सेम है, जो बड़ा होता है वो बिग होता है और जो छोटा होता है वो स्मॉल होता है. तो हियर इज बोथ पिक्चर, एलिफेंट एंड डियर. तो एलिफेंट इज़ बिग, यू सी, यू कैन सी वेरी वेल, आप देख सकते हो बहुत ईजीली. बिग एलिफेंट इज़ बिग, डियर इज स्मॉल. फ्रंट ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के सामने जो डियर है वो स्मॉल है और एलिफेंट जो है वो बिग है. तो कंपैरिजन करना है हमें इसमें कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. इधर ही, इधर देखिए टू बिल्डिंग्स हैं, वन इज़ हियर एंड सेकेंड इज़ हियर. तो दिस बिल्डिंग इज़ बिग, बड़ी है तो ये बिग हुई, एंड दिस हाउस इज़ स्मॉल तो ये स्मॉल हुआ, छोटा हुआ, सिंपल. तो आपकी समझ में आया विच थिंग इज़ बिग. ओनली कंपैरिजन, कंपैरिजन करना है हमें, कंपैरिजन करना है. फ्रंट ऑफ डियर एंड एलिफेंट, एलिफेंट इज बिग इन फ्रंट ऑफ डियर. एलिफेंट जो है वो बड़ा है डियर के सामने और डियर जो है वो छोटी है, स्मॉल, छोटी है. हाँ, स्मॉल हुई तो वो स्मॉल है एलिफेंट के सामने. तो इसलिए इसमें जो है हमें जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ा जो ऑब्जेक्ट है यानी जो बड़ी थिंग है वो उसमें ही कलर करना है. तो ईजिली आप देख सकते हो कि एलिफेंट जो है वो डियर के सामने बड़ा है. तो हमें जो कलर करना है वो बिग उसमें कलर करना है. तो अब हम कलर करेंगे इसमें बड़े ऑब्जेक्ट में. तो कौन सा बड़ा है बताइए, एलिफेंट. कौन सा ऑब्जेक्ट इज, यस, एलिफेंट. कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है, एलिफेंट, यस. तो अब हम एलिफेंट में कलर कर देंगे, यस. ईजिली आप भी ऐसे ही कलर करना, यस. हम कलर कर रहे हैं बिग, बिग ऑब्जेक्ट में. इसमें बोला गया है कलर ओनली द बिग एनिमल. तो जो एलिफेंट है वो बिग है इसलिए हमने एलिफेंट में कलर कर दिया. अंडरस्टूड, यस. तो एलिफेंट में हमने कलर कर दिया क्योंकि एलिफेंट जो है वो बिग था. इसमें हमें कंपैरिजन करना था बिग और स्मॉल में. तो बोथ एनिमल्स में, इन दोनों एनिमल्स में हमें कंपैरिजन करना था कौन सा बड़ा है. जो बड़ा है उसमें हमें कलर करना है. तो हमने कंपैरिजन करा तो एलिफेंट जो था वो बड़ा था और डियर जो थे वो छोटा था. तो इसलिए हमने एलिफेंट में कलर कर दिया. अब इधर है लॉन्ग और शॉर्ट, यानी लंबा और छोटा. तो अब हमें भी सेम थिंग करनी है इसमें, इसमें भी कंपैरिजन करना है. ये तो देखिए, ये है ट्रेन और ये है कार. तो ट्रेन लंबी होती तो वो लॉन्ग हो गई, कार शॉर्ट होती, छोटी होती तो वो शॉर्ट हो गई. इसी तरीके से लॉन्ग और शॉर्ट में भी कंपैरिजन करना है हमें. तो राइट एल फॉर लॉन्ग एंड एस फॉर शॉर्ट. जो थिंग है उनके सामने हमें एल, लॉन्ग के सामने एल लिखना है और शॉर्ट के सामने एस लिखना है. तो यहाँ दो, एक एरोप्लेन दिया गया है, एक शायद हेलीकॉप्टर है, यस. तो दोनों में हमें कंपैरिजन करना है कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है. तो ईजिली आप देख सकते हो एरोप्लेन जो है लॉन्ग है तो हम इसके सामने एल बना देंगे, और हेलीकॉप्टर जो है वो शॉर्ट है तो यहाँ हम एस बना देंगे, ठीक है. इसी तरीके से कलर द
लॉन्ग ऑब्जेक्ट विद रेड एंड द स्मॉल ऑब्जेक्ट येलो, जो हमारा बड़ा थिंग है लॉन्ग है उसमें हमें रेड कलर करना है, जो शॉर्ट है उसमें हमें येलो कलर करना है। तो अब हम कलर करेंगे। अब बताइए कौन सा लॉन्ग है और कौन सा शॉर्ट है। यस, पेंसिल इज लॉन्ग एंड इरेजर इज शॉर्ट। तो पेंसिल में हम रेड कलर करेंगे। आप भी करना बच्चों अपनी अपनी बुक्स निकाल के कलर। यस, ऐसे कलर करना है आपको। ये रेड, बड़े ऑब्जेक्ट में हमें रेड कलर करना था और छोटे में हमें येलो कलर करना है। कौन सा? येलो। तो हम येलो कलर निकालेंगे और अब हम येलो कलर कर देंगे। Like this. Yeah. तो कलर द लॉन्ग ऑब्जेक्ट विद रेड, तो हमने रेड कलर कर दिया लॉन्ग में, एंड द स्मॉल ऑब्जेक्ट विद येलो, तो स्मॉल में हमने येलो कर दिया। अब इसी तरह टिक द लॉन्ग ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द शॉर्ट ऑब्जेक्ट। तो जो लॉन्ग है उसके सामने हमें टिक करना है और जो शॉर्ट है उसके सामने हमें क्रॉस करना है। कर दिया। अच्छा लगा ना बच्चों? तो आप भी अच्छे अच्छे से नीट एंड क्लीन अपने घर पे वर्क करना। ओके, बाय।